हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर प्लांट लेकर आई हूँ जिसका नाम है फ्लॉक्स प्लांट। ये मुख्य रूप से मेक्सिको सिटी का नेटिव प्लांट है। ये भी प्लांट विंटर सीजन के ही प्लांट हैं। अगर आप इस पर केयर करें तो आपके गार्डन में ये मार्च अप्रैल तक भर भर के फूल देंगे। ये देखिए, इसके फूल देखिए कितने सुंदर लगते हैं, 5 पेटल लिए हुए। और इसके फूल आपको कई कलर में अवेलेबल हो जाएंगे मार्केट में। ये मेरे पास पिंक कलर के हैं। इसके फूल जस्ट लाइक सदाबहार के जैसे मिलते जुलते हैं। ये देखिए, तो चलिए देखते हैं इसके क्या केयर टिप्स हैं, किस प्रकार से इस प्लांट की केयर करें। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये मेरे सीड के माध्यम से ग्रो किए गए हैं। ये प्लांट सीड के माध्यम से भी ग्रो हो जाते हैं और कटिंग के माध्यम से भी ग्रो हो जाते हैं। ये बिल्कुल कम केयर में आपको बहुत सारे फूल देंगे। इसके कटिंग भी बहुत ही जल्दी लग जाते हैं। अगर आपके पास आसपास किसी के पास ये प्लांट है तो उसकी कटिंग भी आप लगा सकते हैं, या फिर इसके जब फ्लावर सूख जाते हैं तो इसके सीड को भी आप इकट्ठा करके रख सकते हैं। और इस प्लांट के लिए जो सॉइल उपयुक्त है, बिल्कुल वेल ड्रेन भुरभुरी मिट्टी, यानी कि एक पार्ट के करीब सॉइल, एक पार्ट के करीब सैंड और एक पार्ट के करीब बर्मी कंपोस्ट या काउडंग मिलाकर इस प्लांट को लगाएं, तो इसकी ग्रोथ और भी अच्छी तरह से होती है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये प्लांट विंटर सीजन के प्लांट हैं, तो विंटर सीजन के इसे फुल सनलाइट पसंद है। ये विंटर सीजन में फुल सनलाइट को पसंद करते हैं। अगर आप इस प्लांट को ग्रो करना चाह रहे हैं तो फ्रेंड्स, आप इसे सीड के माध्यम से और कटिंग के माध्यम से ग्रो कर सकते हैं। और इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए आप समय समय पर इसकी पिंचिंग करते रहें। इसके सूखे फूल, सूखे पत्ते को हमेशा हटाते रहें, तो इसमें और बहुत सारे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। इसमें पिंचिंग बहुत ही जरूरी है इस प्लांट के लिए। जितने आप पिंचिंग करेंगे ये प्लांट की ग्रोथ और ये प्लांट उतने ही घने दिखेंगे। और ये प्लांट ओवर वाटरिंग भी नहीं पसंद करते हैं, लेकिन मॉइस्चर पसंद करते हैं। इसकी मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए, लेकिन ओवर वाटरिंग भी ना करें, इस बातों का ध्यान दें। और इसमें डिजीज फ्रेंड्स बहुत ही कम मात्रा में देखे जाते हैं। कभी कभी फंगस डिजीज वगैरह होते हैं, तो आप नीम ऑयल या फिर घर में ही लिक्विड शैम्पू से स्प्रे आप इस पर करते रहें जब आपके प्लांट में कोई कीड़े मकोड़े दिखे। उतने में ही आपके प्लांट हेल्दी और स्वस्थ रहेंगे। तो देखिए, अगर इतने से केयर आप अगर करते हैं तो ये प्लांट बहुत सारे मात्रा में फूल देंगे और आपके प्लांट हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू।